ओके, वेलकम बैक गाइस, दिस इज सीए बिपिन पालंदे एंड आई वेलकम यू टू सक्सेस मंत्रा एकेडमी। आज हम देखने वाले हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन ऑफ एमटीपी फॉर सीए फाउंडेशन मैथमेटिक्स। चलो, तो लॉजिकल रीजनिंग ऐसा सेक्शन है विच इज़ वेरी इजी, क्विकली सॉल्वेबल और श्योर शॉट उसमें मार्क्स आ सकते हैं। तो चलो, लेट अस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ द सीरीज 27, 32, 30, 35, 33। तो सबसे पहले देखना है कि सर इसमें कुछ डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस आ रहा है क्या, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या। चलो, क्या लिखा है, 27 है फिर 32 है, सो 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे माइनस 2 है, 32, 30, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस 2 है, सो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 ऑल्टरनेट है, तो नेक्स्ट नंबर इज 5, 33 प्लस 5 इज 38, राइट। चलो नेक्स्ट, ए जेड वाई ई एक्स डब्ल्यू आई वी यू, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में आपको डिफरेंस अगेन देखना है, तो जस्ट कंपेयर फर्स्ट लेटर्स ऑफ ऑल थ्री वर्ड्स, थ्री कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, तो ए बी सी डी, तो इसमें प्लस 3 आएगा, देन ई एफ जी एच और फिर आई, मतलब एक्चुअली प्लस 3 नहीं, प्लस 4 आएगा, यहाँ पे चौथा लेटर आ जाएगा, तो प्लस 4, तो यहाँ पे भी प्लस 4, तो I के बाद I J K L एंड बाद में M, तो दिस इज प्लस 4, तो पहला लेटर आ जाएगा M, तो ये ऑप्शन निकल गया। देन नेक्स्ट इज Z फिर X फिर V, तो इसमें क्या आ रहा है, Z के पहले आता है Y, उसके पहले आता है X, ओके, तो माइनस 2 है, देन X के एक छोड़ के W आता है और एक छोड़ के फिर V आता है, राइट, तो Z माइनस 2 इज x एंड x माइनस 2 इज माइनस 2, राइट। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, v माइनस 2, तो v माइनस 2 क्या आएगा, t u v, तो इसके बाद आएगा t, राइट, एंड देन लास्ट में भी वही पैटर्न है, y और w के बीच में x आता है, w x y u v w, तो ऐसा लेटर ढूंढना है t के एक लेटर पहले उसके पहले वाला, तो दैट इज ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि एस टी यू आएगा, एस के बाद टी, टी के बाद यू आएगा, राइट, तो एम टी एस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर, राइट। ओके नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द सीरीज, ओके रॉन्ग नंबर, तो सबसे सिंपल फंडा, डिफरेंसेस निकाल लो पहले, तो यहां पे 15 का डिफरेंस है, यहां पे 15 है, यहां पे भी 15 है, यहां पे कुछ 17 का डिफरेंस है और यहां पे 13 का डिफरेंस है, सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ी लग रही है, करेक्ट, यहाँ पे ही गड़बड़ी है, ये नंबर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक है, मतलब 67 के बाद अगर मैं 15 ऐड कर दूँ तो आएगा 82, और 82 में 15 ऐड कर दूँ तो आएगा 97, तो ये 15 15 15 ठीक से बैठ जाता, बट ये भाई साहब 84 बीच में आके बैठ गए, दैट इज माई रॉन्ग नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ 20 इज रिटन एज सो एंड सो, 11 इज रिटन एज सो एंड सो, देन 12 कैन बी कोडेड एज, तो सबसे पहले देखो 12 के नंबर्स लेटर्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, तो सबसे पहले है टी डब्ल्यू ई, यहाँ पे आ रहा है टी डब्ल्यू ई, तो सबसे पहले ये कॉपी कर लो, 863, 863, अरे यार 863 तो सारों के सारे ऑप्शन में है, तो कुछ और फंडा ढूंढना पड़ेगा। आगे है एल वी ई, तो एल वी ई कहाँ पे आता है, ये आएगा, वी आएगा और फिर ये वाला आएगा, तो इसमें क्या आएगा, सेकेंड फोर्थ एंड थर्ड, तो सेकंड है 2, थर्ड है 4th और उसके बाद है 3, तो 203, 12, 863, 203, ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इफ लूज इज कोडेड एज सो एंड सो, गेन इज कोडेड एंड सो एंड सो, व्हाट डू फिगर 82146, 82146, तो 8 क्या है सर, 8 ये है n, तो n आ गया, 2 क्या है, 2 g है सर, g सर, देन 146, तो 146, 1 क्या है, 1 इज L, तो L, 4 क्या है, 4 इज A, एंड 6 क्या है, 6 इज योर थर्ड लेटर, दैट इज I, 6, तो N G L A I, दैट इज ऑप्शन नंबर A इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, B इज इक्वल टू 2, ओके, तो सबसे पहले हमें दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए, B इज इक्वल टू मतलब सेकंड लेटर ऐसा लग रहा है, अभी चेक करते हैं, देन A इज फर्स्ट लेटर, G इज सेवन लेटर, ओके, तो मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 इंटू 7 14 आता है, नहीं, तो एक और देखते हैं, 2 1
सेवन, अरे ये तो एडिशन है, 2 + 1 3, 3 + 7 10, तो ये जस्ट एडिशन है। तो बी सेकेंड लेटर आता है, ओ कितना है, ओ इज 14 लेटर राइट, सॉरी ओ इज 15th लेटर ओके। देन एक्स, एक्स इज 25th लेटर राइट, 24th लेटर आई एम सॉरी। तो इनकी टोटल लेंगे 2 + 5 7, 7 + 1 7 + 4 1 ऊपर आएगा 1 1 1 2 4, 41 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, इजी है। 47 ओके, ये छोटा छोटा कर लेते हैं। हाँ ओके, अ मैन स्टैंड्स ऑन अ पॉइंट, ओके पॉइंट पे भाई साहब को खड़े कर दिया, स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके तो ये डायरेक्शन डायरेक्शन सेंस के प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले पहली प्रॉब्लम में सब एक बार डिफाइन कर लेते हैं। सर ये आता है नॉर्थ, ये आता है ईस्ट, ये आता है साउथ, ये आता है वेस्ट, तो इसके बीच में आएगा वो आएगा साउथ वेस्ट, इसके बीच में आएगा वो आएगा साउथ ईस्ट, इसके बीच में आएगा वो आएगा नॉर्थ ईस्ट, और इन दोनों के बीच में आएगा वो आएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो ये क्लियर हो गया। अ मैन स्टैंड्स ऑन अ पॉइंट, स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके भाई साहब नॉर्थ को चले गए, देन टर्न्स लेफ्ट, ओके लेफ्ट को चले गए, देन टर्न्स राइट, ओके इनका देखो यहां पे जाने के बाद, ये मैं ऐसे जा रहा हूं, यहां पे जाने के बाद लेफ्ट ये हो गया, अब मेरा चेहरा है यहां पे, तो मेरा राइट यहां पे आ जाएगा राइट, तो मैं राइट पे चला गया, देन लेफ्ट, तो मेरा चेहरा भी ऊपर है तो मैं लेफ्ट में चला गया, एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन नंबर ए, इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, वो बंदा वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। चलो ओके नेक्स्ट, वन इवनिंग बिफोर सनसेट टू फ्रेंड्स रवि एंड राज वेर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, ओके इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, इफ रवीज शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, रवि शेडो वॉज एग्जैक्टली टू हिज लेफ्ट, ओके तो सबसे पहले वेस्ट साइड कौन सी है, ऊपर देख लेते हैं, वेस्ट साइड यहां पे है ओके तो ये ऐसे ही रखते हैं, वेस्ट साइड पे सनसेट मतलब वेस्ट साइड पे होगा सन, ठीक है तो इनकी शेडो जो भी बैठेंगे, ये है मान लो रवि है, ये राज है, बट कौन सा मुझे पता नहीं, तो मैं अभी बस आरआर लिख रहा हूं, तो जिसकी शेडो लेफ्ट साइड पे पड़ती है, तो अभी मान लो ये नीचे वाले लेते हैं, तो इसकी शेडो इन भाई साहब के राइट साइड में पड़ेगी शेडो, तो ये भाई साहब तो राज हो नहीं सकते, सॉरी रवीज, रवीज है, रवि नहीं हो सकते, और ये भाई साहब की शेडो पड़ेगी यहां पे, तो ये इनकी लेफ्ट है, ये इनकी राइट है, इनकी लेफ्ट ये है, ओ सॉरी 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 उल्टा कर दिया मैंने, या तो ये भाई साहब की ये राइट है, ये लेफ्ट है, और ये भाई साहब यहां मुंह करके बैठे हैं, तो ये इनकी लेफ्ट हो जाएगी, ये इनकी राइट हो जाएगी, ठीक है तो इनकी लेफ्ट में शैडो पड़ रही है, तो ये भाई साहब है मेरे रवि भाई साहब, और ऑब्वियसली ये रवि है तो ये मेरे राज भाई साहब है, ठीक है यहां मुंह करके बैठे हैं, तो विच डायरेक्शन वॉज राज फेसिंग, तो ये डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है सर, नॉर्थ डायरेक्शन है करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलो ओके नेक्स्ट, साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ओके ये ऐसा कैसे हो गया पता नहीं बट हुआ तो है, चलो सॉल्व करते हैं, साउथ वेस्ट मुझे बताए, ये है मेरी वेस्ट और ये है साउथ, तो साउथ वेस्ट अगर मेरी साउथ वेस्ट, ये मेरी नॉर्थ बन गई, हाँ तो एक काम कर सकता हूं मैं, ऐसा उसको घुमा फिरा के पूरा लिख सकता हूं, बट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अगर उसकी जरूरत है कि नहीं, तो व्हाट विल बी द नॉर्थ ईस्ट साइड, तो नॉर्थ ईस्ट तो यहां पे आएगी, तो नॉर्थ अगर साउथ वेस्ट मेरी नॉर्थ बन गई, तो नॉर्थ ईस्ट मतलब एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्रीज में, तो नॉर्थ की 180 डिग्रीज में क्या आएगा, ये आएगा साउथ, क्योंकि हमने ऊपर देखा है नॉर्थ की अपोजिट साउथ आता है, और साउथ वेस्ट के अपोजिट नॉर्थ ईस्ट आता है राइट, तो ये इसका आंसर आ जाएगा साउथ, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो नेक्स्ट क्या लिखा है,
सिक्स चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ओके, तो ऐसा ऊपर वाले फेस करके बैठे यहां पे. बी इज बिटवीन एफ एंड डी. ओके, बी इज बिटवीन एफ एंड डी. ठीक है, डी एंड एफ भी हो सकता है, बट पहले देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं. ई इज बिटवीन ए एंड सी. ओके, ई इज बिटवीन ए एंड सी. ओके, ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू एफ, तो ए यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा. राइट, नेक्स्ट टू एफ एंड डी, एफ के एफ एंड डी दोनों के बाजू में ए नहीं है, पसंद नहीं करता. सी डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी, सी डी के बाजू में भी नहीं है, तो सी कहां आएगा भाई, इन तीनों के बीच में तो नहीं आएगा, तो सी आएगा यहां पे. और अगर सी यहां पे है तो ई यहां पे आएगा और ए यहां पे आएगा. ऑब्वियसली अगर आप डी एफ डी बी डी सॉरी डी बी एफ करते हो तब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आंसर यही आएगा कि एफ इज बिटवीन विच ऑफ दीज, तो बी एंड सी के बीच में है. ठीक है, तो बी एंड सी. सर हमने उल्टा किया, कोई बात नहीं, उससे भी सॉल्व कर लेंगे. क्या कर लिया तुम लोगों ने? सर हमने बी बी इज बिटवीन एफ एंड डी, तो डी यहां पे लिया, एफ यहां पे लिया. ठीक है, ए कहां पे बैठा है, ए और सी है, तो सी उल्टा ले लिया. सर आपने लिया उससे एग्जैक्टली उल्टा ले लिया. ठीक है, कोई नहीं, बात नहीं, कोई बात नहीं है, तुमने ऐसा ले लिया. ठीक है, उसके बाद क्या किया, सी डज नॉट, ए एफ एंड डी के बाजू में नहीं है, तो ए यहां पे भी नहीं आएगा और यहां पे भी नहीं आएगा. सी डी के बाजू में नहीं है तो सी यहां पे आएगा, ऑब्वियसली ई और ए यहां पे आएगा, सी ई ए है, तो फिर भी आंसर वही है कि एफ किन दोनों के बीच में, तो आंसर बी और सी के बीच में. राइट, तो आंसर बी एंड सी सेम आएगा. चलो ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइव बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ. ए इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ बी एंड ई, एंड इमीजिएट राइट ऑफ बी एंड ई इज ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी. ओके, फेसिंग नॉर्थ है तो अगेन ए ऐसा आ जाएगा. ए इज टू द इमीजिएट राइट ऑफ बी, तो बी भाई साहब ऐसे ऐसे बैठे हैं तो उनका राइट साइड आ जाएगा ये. ई इज ऑन द इमीजिएट लेफ्ट ऑफ बी, तो बी का लेफ्ट साइड ये आ जाएगा, लेफ्ट, और ये राइट है. ठीक, बट ऑन द राइट, E is on the immediate left of B, but on the right side of C. C के right side में, क्योंकि C का right आ जाएगा ये, तो E C के immediate, but on the right side of C. And A is on the left side of D. तो D के left side में आएगा A. तो who is second from the left end? पांच ही लोग हैं, तो ये हमारी arrangement हो गई. Who is second from the left end? Left end से second कौन है? E है. Right? First, second, third, fourth and fifth. Left से. तो लेफ्ट से सेकंड कौन है? ई. ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर. राइट, अंडरस्टूड. चलो नेक्स्ट, एट फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग सेंटर. ओके, तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं. गंदा सा रहा है, एक काम करते हैं. चलो उसके बाद ड्रॉ करते हैं आठ पोजीशंस. ठीक है, क्या लिखा है? बी इज सिटिंग, अब सिटिंग जी एंड डी, तो शायद यहां पे बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन. ठीक है, बी इज सिटिंग बिटवीन जी एंड डी, तो बी को कहीं पे भी शुरुआत कर सकते हो जी एंड डी के बीच में. ओके, H इज ऑब्वियसली जी एंड डी इंटरचेंज हो सकते हैं, बट एक कुछ ना कुछ एजम्पशन लेके हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू स्टार्ट द प्रॉब्लम. तो एक एजम्पशन लेके स्टार्ट करते हैं. H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, तो B भाई साहब ऐसे बैठे हैं ना सेंटर के, तो उनका लेफ्ट साइड आ जाएगा ये, दिस इज लेफ्ट. तो H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ B, एक दो तीन, तो यहाँ पे H भाई साहब आ जाएंगे. एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ A, H भाई साहब ए के राइट हैंड साइड में, ए का राइट हैंड साइड ये आ जाएगा, तो सेकंड है वन टू, तो एच वन टू ए आ जाएगा. सी इज सिटिंग बिटवीन ए एंड जी, ए एंड जी के बीच में सी है. ओके, एंड बी एंड ई आर नॉट अपोजिट टू ईच अदर, तो बी के अपोजिट कौन सा आ जाएगा? बी का अपोजिट ये आ जाएगा. यहां पे क्या लिखा है उन्होंने, ई एंड बी ए अपोजिट टू ईच अदर नहीं है, तो ई यहां पे नहीं आएगा, ए की प्लेस बचा है ई, और ऑब्वियसली यहां पे एफ आ सकता है. राइट, तो ये हमारा पूरा पोजीशन हो गया. अब क्या पूछा है, हु इज टू द
हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो डी का लेफ्ट साइड ये आ जाएगा, थर्ड लेफ्ट कौन है, एक दो और तीन एफ, तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर. एंड देन नेक्स्ट इज व्हाट, हु इज सिटिंग बिटवीन एच एंड डी, तो एच एंड डी के बीच में कौन है, एच एंड डी के बीच में है ई भाई साहब, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके अंडरस्टूड. चल नेक्स्ट, ए प्लस बी मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी. ओके अलग अलग साइंस दिए, तो सबसे पहले लिस्ट डाउन करते क्या क्या है. प्लस का क्या है, प्लस मीन्स ए इज द सिस्टर ऑफ, तो सिस्टर ऑफ, क्रॉस है वाइफ ऑफ, देन परसेंटेज है फादर ऑफ, और माइनस है ब्रदर ऑफ. तो सबसे पहले देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स टी इज द डॉटर ऑफ पी. अच्छा तो इसमें क्या है, ए प्लस मतलब ए इज द सिस्टर ऑफ, तो जिसके आगे ये साइन होगी वो किसी ना किसी की सिस्टर होगी, जिसके आगे क्रॉस होगा वो किसी ना किसी की वाइफ होगी, जिसके आगे परसेंटेज होगा वो किसी ना किसी के पिताजी रहेंगे, और जिसके आगे माइनस होगा वो किसी ना किसी का भाई रहेगा. तो क्या लिखा है, टी इज द डॉटर ऑफ पी, डॉटर ऑफ पी मतलब वो फीमेल होनी चाहिए, फीमेल के कौन से ऑप्शन है, सिस्टर एंड वाइफ, तो प्लस एंड इनटू, तो टी के आगे प्लस एंड इनटू छोड़ के कुछ होगा तो वो ऑप्शन हम निकाल देंगे, तो टी के आगे यहां है, तो यहां पे एक्चुअली कैनॉट बी डिटरमाइंड, यहां पे हम कर ही नहीं सकते क्योंकि टी के आगे का साइन हमें पता ही नहीं. देन इनटू है एंड प्लस, तो टी के बाद माइनस होगा, तो टी इज द ब्रदर, तो ये ऑप्शन तो चला गया भाई, तो ये दो ही ऑप्शन बचते हैं, टी प्लस एस. अब डॉटर ऑफ पी, तो ये दोनों अगर आप देखें, पी इंटू क्यू मतलब पी इज वाइफ ऑफ क्यू, ओके पी एंड क्यू आर रिलेटेड, पी इज द वाइफ ऑफ क्यू, तो फीमेल्स को सर्कल कर लेते हैं, जेंट्स को उसको रेक्टेंगल या स्क्वायर कर लेते हैं. परसेंटेज ऑफ आर, तो क्यू इज परसेंटेज ऑफ आर मतलब क्यू इज द फादर, हाँ तो क्यू इज फादर ऑफ आर, तो आर मतलब नेक्स्ट जनरेशन हो गई आर. हु इज माइनस, माइनस मतलब क्या है, माइनस इज द ब्रदर, आर इज ब्रदर ऑफ टी, तो सेम जनरेशन टी है. और यहां पे देखो मैंने ये बीच वाला साइन निकाला है, इसका मतलब है वो सेम जनरेशन के है बट वो कपल है, हस्बैंड एंड वाइफ है, तो यहां पे ये आर एंड टी, आर इज ब्रदर, तो ये सेम जनरेशन के है बट सिबलिंग्स है, तो उसके बीच में ये हम स्लैश नहीं डालेंगे. ये ऐसा आप अपने अपने सिंबल्स निकाल सकते हो, ऐसा कोई ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है, बट जनरेशन को अलग अलग लाइन में लिखना जरूरी है. तो R और T ऐसे हो गए, देन R इज क्या लिखा है, माइनस है, तो R इज ब्रदर, तो ये हो गया. एंड T, तो P के आगे S लिखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे बस T का निकालना है, तो ये आती है ओ भाई, ये देखो P क्रॉस Q परसेंटेज R माइनस T प्लस S, दोनों ऑप्शन सेम है, तो अल्टीमेटली B ऑप्शन भी सही है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये हस्बैंड वाइफ है, उनका बेटा है, उनकी ये बेटी है, क्योंकि T इज सिस्टर ऑफ, प्लस मतलब सिस्टर है ना, तो ये भी सिस्टर आ जाएगी ऑफ एस, राइट. एस का जेंडर अभी हमें पता नहीं है बट दैट्स ओके, टी के बारे में पूछा है, तो टी इज डॉटर ऑफ पी, तो दोनों ऑप्शन सही है, हम बी के हिसाब से जाएंगे, ठीक है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल सेड दिस गर्ल इज वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, तो ऐसे टाइप के प्रॉब्लम में हमें उल्टा जाना है, माई मदर से स्टार्ट करते हैं, तो अनिल है, अनिल भाई साहब है, तो ये मेल है, उनको बॉक्स कर देंगे. ऑफ माई मदर, तो इनकी मदर, एक जनरेशन ऊपर इसको लिखते हैं मदर, ये इसको राउंड कर लेते हैं क्योंकि फीमेल है, मदर है. देन ग्रैंड सन ऑफ माई मदर मतलब ये मदर है उनकी ग्रैंड सन, तो ऑब्वियसली एक जनरेशन नीचे और एक जनरेशन नीचे, तो अनिल का ही बेटा है ग्रैंड सन, तो ग्रैंड सन लिख देते हैं यहां पे, ग्रैंड सन है इसीलिए बॉक्स कर दिया. वाइफ ऑफ ग्रैंड सन, हाँ एक एक में उल्टा जा रहा हूं, मदर से ग्रैंड सन, ग्रैंड सन की वाइफ, ये है उसकी वाइफ, वाइफ वाइफ है, तो मैंने राउंड कर लिया उनको. दिस गर्ल, तो अनिल बोल रहे हैं इन देवी जी के बारे में, तो क्या लिखा है, अनिल इज रिलेटेड टू द गर्ल, अनिल के बेटे की बीवी, दैट इज अनिल इज उनके ससुर एंड वाइफ इज उनकी बहू, तो अनिल इज फादर इन लॉ, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर.
राइट। चलो नेक्स्ट, पी इज द मदर ऑफ के, के इज द सिस्टर ऑफ डी, डी इज द फादर ऑफ जे, हाउ इज पी रिलेटेड टू जे। ओके सिंपल, नो प्रॉब्लम। पी इज द मदर ऑफ के, पी मदर है तो मदर है राउंड है, मदर ऑफ के, के का जेंडर हमें पता नहीं है अभी। के इज द सिस्टर ऑफ डी, के इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ये भी एक फीमेल है। डी का जेंडर मुझे पता नहीं है। डी इज द फादर, ओके डी भाई साहब फादर है, ओके हाँ, तो फादर ऑफ जे, तो ये एक जनरेशन यहाँ पे आ गई, जे आ गई यहाँ पे। जे का जेंडर मुझे पता नहीं है बट जरूरत भी नहीं है। हाउ इज पी रिलेटेड टू जे, पी कौन है, जे के फादर की बहन की, सिस्टर की मदर, तो मतलब डी की भी मदर हो गई वो, तो अपने पिताजी की मदर मतलब क्या हो गई, अपनी दादी हो गई, तो पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे। ओके नेक्स्ट, इन अ फैमिली देर आर सिक्स मेंबर्स ए बी सी डी ई एंड एफ, ए एंड बी आर मैरिड कपल, ओके ए एंड बी आर मैरिड कपल, मैरिड है ओके। ए बीइंग द मेल, ओके ए मेल है इसका मतलब बी फीमेल हो गई, वाइफ हो गई। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, तो यहाँ पे कहीं पे भी निकाल सकते हो बट वेट करो अगला पढ़ो। हु इज ब्रदर ऑफ ए, तो सी ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, हु इज ब्रदर ऑफ ए, तो ए का भाई हो गया ये सी, भाई है तो बॉक्स कर लिया, मेल है तो ओनली सन डी, तो ये भी मेल है उसको भी बॉक्स कर लिया। ई इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ई इसकी सिस्टर हो गई, सिस्टर है सेम जनरेशन बट यहाँ पे हस्बैंड वाइफ है तो मैंने क्रॉस कर दिया था, यहाँ पे सिबलिंग्स है तो मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। ई इज द सिस्टर ऑफ डी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बी बहू है एफ की, बहू मतलब क्या, अपने पति के माँ के बारे में बोला जा रहा है, तो उसकी उसका हस्बैंड है ए, उसकी माँ है एफ, राइट। बट एफ मेल है या फीमेल है हमें पता नहीं, तो अभी के लिए ऐसे ही ऐसा रखते हैं। हुज हस्बैंड हैज राइट, लॉ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हुज हस्बैंड हैज राइट, तो ऑब्वियसली ये देवी जी इनकी माता जी होंगी ए की, राइट। हाउ इज ई रिलेटेड टू सी, तो ई कहाँ गया, ई रिलेटेड टू सी, अच्छा इतना सब क्यों निकाला भाई, ई और सी का ही निकालना है, ठीक है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में पूरा का पूरा डायग्राम हमें निकालना है, बीच में ही छोड़ देना नहीं है। ई इज रिलेटेड टू सी क्या होगा, ई के भाई के पिताजी, तो ई इज रिलेटेड टू सी, ई इनकी डॉटर हो गई ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट, ओके सिलोजिज्म क्या है, वेन डायग्राम के हिसाब से ही फॉलो हो सकते हैं, फटाफट ड्रॉ करते हैं। क्या है, सम बैंक्स और कॉलेजेस, ओके एक काम करते हैं अच्छा शेप आने के लिए, यस चलो राइट क्या लिखा है, सम बैंक्स और कॉलेजेस, तो ये बैंक्स हो गए ये कॉलेजेस हो गए, और सम बैंक्स और कॉलेजेस, तो ये इसके बारे में बात हो रही है राइट। ऑल कॉलेजेस आर स्कूल, तो आएगा कि नहीं, स्क्वायर नहीं आएगा, सर्कल नहीं आएगा, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है तो ऐसा कर लेते हैं, दीज आर ऑल स्कूल्स, क्योंकि ऑल कॉलेजेस आर स्कूल, तो ये स्कूल के बड़े सर्कल के बीच में कॉलेज आएगा, ठीक है ओके। अब क्या पूछा है, एट लीस्ट सम कॉलेजेस आर स्कूल, यस ऑब्वियसली सम कॉलेजेस है ये वाले, सब कॉलेजेस है सॉरी सम बैंक्स आर, सम बैंक्स, तो ये वाले है, ये बैंक्स में भी है कॉलेज भी है और स्कूल में भी है, तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट। ऑल स्कूल्स आर कॉलेजेस, नहीं भाई ये स्कूल्स है ये कॉलेजेस नहीं है राइट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। करेक्ट आंसर इज ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, ओके थोड़ा सा ये आ गया, ठीक है उसको इग्नोर करते हैं। ऑल बॉटल्स आर ग्लासेस, तो मतलब ये बॉटल्स है ग्लासेस है, नो कप इज अ ग्लास, तो ये कप है भाई साहब, उन दोनों से दूर जाके बैठा है। नो बॉटल इज अ कप, नो बॉटल इज अ कप राइट, बॉटल और कप के बीच में कुछ नहीं है तो ये करेक्ट है। एटलीस्ट सम ग्लासेस आर बॉटल्स, यार एक नो कप इज अ ग्लास है ना, कप और ग्लास के बीच में कुछ नहीं है, और बॉटल्स तो ग्लासेस के अंदर है, तो सम ग्लासेस आर बॉटल्स, तो कप का यहाँ पे कुछ लेना देना नहीं है, बॉटल्स और ग्लास के बीच में
सम ग्लासेस आर बॉटल्स, ऑब्वियसली ये अंदर के जो है वो बॉटल्स भी है और ग्लासेस भी है, राइट right? तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है, बोथ ऑफ देम फॉलो, राइट। एंड देन लास्ट क्वेश्चन, सम सिटीज आर टाउन्स, सम विलेजेस आर सिटीज, सम सिटीज आर टाउन्स मतलब ये वाले, सम विलेजेस आर सिटीज। ओके, अब दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, सम विलेजेस आर सिटीज, तो उसमें दो ऑप्शन आ सकते हैं, एक तो ये सर्कल यहां पे आ सकता है कि सम विलेजेस आर सिटीज, तो ये आ गए, ये विलेजेस भी है और सिटीज भी है, राइट। और नहीं तो एक यहां ऐसा भी सर्कल आ सकता है जहां पे हम थोड़ा सर्कल करते हैं, सॉरी ये वाला जो एरिया है इसके बारे में बोला जा रहा है, ऐसा भी मैं बोल सकता हूं कि सम विलेजेस आर सिटीज ये वाले है, ये विलेजेस भी है और सिटीज भी है, तो दोनों ऑप्शन मेरे करेक्ट है, दोनों डायग्राम्स करेक्ट है। तो हम चेक करते हैं ऑप्शन कंक्लूजन क्या निकाले, एटलीस्ट सम विलेजर्स आर सम विलेजेस सॉरी विलेजर्स लिखा है, ओके, एटलीस्ट सम विलेजर्स आर टाउन्स, तो सम विलेजर्स आर टाउन्स है, विलेजर्स आर टाउन्स, तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा है, बट ये वाले ऑप्शन में नहीं है, तो पहला वाला कंक्लूजन है वो इस वाले में सही है, इस वाले में रॉन्ग आ रहा है, नो विलेज इज अ टाउन। ओ ओके, एक मिनट, हमने गलती कर दी यहां पे। हाँ, एटलीस्ट सम विलेजर्स आर टाउन्स, तो इसमें नहीं आ रहा है, इसमें और टाउन में कुछ भी कॉमन नहीं है, दूसरे वाले में आएगा, यहां पे कुछ विलेजेस है जो टाउन में भी आ रही है, तो इसका ये वाला आएगा अभी, यस, ये वाला, ये वाले की बात हो रही है, राइट। और दूसरा क्या है, दूसरा है तो इसमें ये वाले में आ रहा है, ये वाले सर्कल में, बट इसमें नहीं आ रहा है पहला वाला, दूसरा कंक्लूजन बोल रहा है नो विलेज विलेजर इज अ टाउन, तो इसमें इसमें करेक्ट आ रहा है वो सेकंड ऑप्शन, सेकंड कंक्लूजन, और इसमें वो रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि इसमें नो विलेज इज अ टाउन इज करेक्ट, इसमें कुछ विलेजेस टाउन में भी ओवरलैपिंग हो रहे हैं, तो सेकंड वाला कंक्लूजन ये वाले फिगर के लिए रॉन्ग आ रहा है, बट वो ये वाले फिगर के लिए राइट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आइदर कंक्लूजन वन करेक्ट हो सकता है, नहीं तो कंक्लूजन टू करेक्ट हो सकता है, दोनों करेक्ट नहीं हो सकते, तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, आइदर वन और टू, दोनों में से एक ही आंसर या कंक्लूजन सही हो सकता है, राइट। ओके, सो दैट वॉज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन, आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे, इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग प्लीज प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स का जो वीडियो है वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, टिल देन टेक केयर, कीप सॉल्विंग लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन अंटिल नेक्स्ट टाइम।